गांव का ही गाड़ी मिल गया संदीप दूल्हे का, एकदम वैसे ही सजा सजा मिल गया बच्चे। बैठा लो, बैठा अंदर बैठ जा। खुदा बारी शीशे देखिए, पानी पानी लग रहा है, बारिश शुरू हो चुका है, बरसात में आने का गाड़ी खोले तो गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही हैं। अब बच्चों को बचा के निकलना आराम पड़ेगा। फिलहाल अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए क्या किया जाता है। आज हम लोग रनिंग कर रहे हैं, बच्चे भी आज रनिंग कर रहे हैं, सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे इधर देखते हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आप बारिश तेज हो रहा है जी सा, आप लोग उसका कल बारिश कल। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, आप लोग को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज बच्चों का छुट्टी है 14 तारीख का, तो बच्चे भी चल रहे हैं कल। मैं भी मरासी चलूँगा सिवान टहलने के लिए, लेकिन सारे ऑन संकुश और दोनों तीनों लोग सब लोग तैयार हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों आप लोग बने, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बच्चे तैयार। सीधा करो, सीधा करो इसमें। अभी सुबह में हल्का फुल्का ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है दोस्तों, पर बच्चों के लिए थोड़ा सही जगह सेफ्टी के लिए, क्योंकि मलाशिप जाना है, उधर ठंड हवाएं चलेगी। बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, इधर देख सकते हैं सारा लोग तैयार है, खाना भी बनने को तैयार हो रहा है। इधर के सड्डू भी तैयार हैं, अंकुश भी तैयार है, चले के चलो दोस्तों। तो देख सकते हैं बूंदाबांदी से हुई, हाँ चला 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 चला, बच्चे इंजन ढक लेके चल रहे हैं, हालांकि एक पैर है ना लगे। हाँ चला चला चला। दोस्तों देख सकते हैं सारे बच्चे चल रहे हैं, हल्का फुल्का बूंदाबांदी है। अभी सुबह का 6 बज रहे हैं, हाँ देखिए झीसा भी चालू हो चुका है। हाँ हम लोग टहलने वाले जाने वाले थे, अब लगता है टहलना मुश्किल है। हम लोग पानी चलाए थे तो बारिश नहीं हुआ, तो बादल पूरा घेरा था, झीसा पड़ के पटा गए थे। देखिए आज सुबह ही चालू हो गए, अभी देखिए अंधेरा ही है, 6 बज रहा है और हम लोग टहलने के निकले हैं। बच्चों का देखिए छुट्टी, अब लगता है हम लोग बीच रास्ते में घूमना पड़ेगा, क्योंकि बारिश शुरू हो गया है और बारिश तेज होते ही चला जा रहा है। सड्डू भी देखिए, आज हम लोग दूसरा तीसरा दिन है निकलने के लिए, कल हम लोग टहलने के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि कल सुबह सुबह ही पानी हम लोग चलाने के लिए चल गए थे, पर आज तो और मुश्किल लग रहा है। आज भी देखिए झीसा पड़ रहा है, बहुत तेज़ झीसा पड़ने लगा है, अभी तेज़ से बारिश नहीं हो रहा है। बच्चे भी देखिए तैयार हैं, इन लोग कह रहे हैं कि मैं भी घूमने के चलूँगा, देखिए बच्चे तैयार हैं। हालाँकि ठंडी नहीं है दोस्तों, ठंडी नाम मात्र का ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी सुग्रीम गए हैं घर कपड़ा पहने के लिए कि ठंड लग जाएगा, और देखिए कब तक आते हैं। देखिए साइकिल पे दमकल का हैंडल रखा गया है, ऐसे ही डुगराते हम लोग खेत में लेके चले जाएंगे। अभी बच्चे इधर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि बारिश पटा जाएगा तो मलाशिप घूमने के लिए चलेंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए बच्चे भी मलाशिप नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। पान शंकुश सनाइडू है ढकेला हो ढकेला ढकेला ढकेला, बारिश शुरू हो गया, भीज जाइए भगवान आराम आराम से। देखिए अंकुश आगे आगे चल रहा है, आजा आजा आजा। काफी मजा आ रहा है दोस्तों रनिंग करते हुए, बस थक गए हैं बच्चे। देखते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और देखिए आंस है, मेहनत मारा है, और देखिए सारे लोग पेड़ के छांव में हैं, क्योंकि दोस्तों झीसा पड़ रहा है। आज झीसा धीरे धीरे शुरू तेज हो चुका है, देख सकते हैं सारे लोग इधर हैं। अभी अंधेरा है हल्का हल्का, 6:15 करीब हो चुका है, अब बारिश भी शुरू हुआ दोस्तों, देख सकते हैं छांव के उधर पानी मालूम हो रहा झीसा। तो अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब कैसे जाया जाएगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आए हैं तो हल्का हल्का झीसा था और रास्ते में थोड़ा रुक गया था, और जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो और तेज़ हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर महुआ का
पत्ता है, मरमौगा का पेड़ है दोस्तों। आज जो उसके छांव हम लोग हैं फिलहाल, अभी तो यहाँ पर एक ही का है, अगर बारिश तेज हो जाए तो महुआ का छांव भी नहीं बचा पाएगा। वो सामने आप लोग देख सकते हैं गायत्री मंदिर है, उसके अंदर बारिश हल्का फिर से कम हो गया है। अब सारे लोग अब निकल रहे हैं अपने घर, हम लोग भी निकलेंगे क्योंकि कभी बारिश फिर से तेज हो जाएगा। सबको बुलाओ चलो जाओ घरे, घरे जाते हैं पापा घरे। देख सकते हैं सारे लोग अब चल रहे हैं, हम लोग भी अब घर चल रहे हैं क्योंकि बारिश थोड़ा सा हल्का हुआ है। झीसा ही पड़ रहा है दोस्तों, पर घर जाते जाते शायद भीग जाए हम लोग। आ जा लोगों, चले घरे, कमिंग कमिंग दोस्तों। चलिए देखिए ये लोग चल गए, ये लोग भी घूमते घामते टहलते आए हैं, तो हम लोग भी पहुँचे हैं। आज पहला दिन है, वैसे इसके पहले भी परसों हम लोग आए थे पर रनिंग नहीं किए थे, सिर्फ टहलते हुए यहाँ तक आए थे। अब हम लोग चल रहे हैं, देखिए बच्चे भी आ रहे हैं। बारिश शुरू हुआ है, पेड़ के छांव थे तो अभी बचे थे, हल्का सा कम हुआ है। आ जा लोगों, चलो जा। ये सारे लोग अभी हल्का फुल्का अंधेरा ही है। ये लोग गायत्री मंदिर के अंदर गए थे, गेट पर ही गेट पर गेट लगा है, उसके आगे छांव में थे। चलो चलो जा घर ना, बच्चे आ गए हैं। अब हम लोग टहलते हुए निकलेंगे क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुका है। बारिश मोबाइल बाहर बनाएंगे तो मोबाइल भी भीगने का भीग सकता है। देख सकते चारों तरफ रंग बिरंगे, इधर देख सकते रंग बिरंगे सब कुछ है। तो बारिश देखिए अभी रुका नहीं है, झीसा पड़ा देख सकते, मोबाइल में भी बूंदीबांदी हो रहा है। अब ज़्यादा बाहर मोबाइल नहीं रखूँगा इसलिए देख सकते हैं। भट्टा साइड पहुँच चुका हूँ, देखिए भट्टा इधर है। अब भट्टे पर काफ़ी ज़्यादा माटी गिर रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी है। आज देखिए काफ़ी रंग बिरंगे सरसों अभी अपने पूरे रौनक पर आया है, अभी फूल भी आया, इसके बाद फल आएगा। तो देख सकते हैं सारे बच्चे, आज बच्चों का छुट्टी है, बच्चे भी साथ में घूमने के लिए आ गए थे हमारे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ किस क्षेत्र से, आपके यहाँ क्षेत्र में बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर देख सकते हैं रोड पर अभी चाटा टाइप हो गया है, हालाँकि बूंदाबांदी से रुक गया है, जैसे कि एक ही एक बारिश है। आलू निकल रहे हैं देख सकते हैं, तो आलू हमारे साथ बने रहिएगा। आज बच्चों का छुट्टी है, आज जल्दी हम लोग घर पहुँचते हैं। सब बूंदाबांदी से बच्चे निकल रहे हैं, इधर देख सकिए ये हम लोग का सिवान है, देखिए साइड में फोल लेंथ है, काफ़ी छोटे छोटे गेहूँ हैं। देखिए जगह जगह कहीं पानी भी लगा हुआ है। बाबू आराम से फोल लेंथ अकेले मत जाइए, हमन काज तब जाइए। तो दोस्तों ठंड तो नहीं है फिलहाल, सिर्फ बारिश है। हम लोग सुबह 5:30 बजे घर से निकले हैं, इंजन ढकेलते हुए लेके आए थे और वहाँ लग गया है। उसके बाद हम लोग अपने मराठी सिवान पे आ गए हैं। तो कुल दोस्तों आज मज़ा नहीं आया क्योंकि मौसम ख़राब है। थोड़ा बहुत हम लोग रनिंग किए हैं, हल्का फुल्का मेहनत किए हैं, तो फिर भी ठीक था, आनंद था। तो ये हमारा क्षेत्र है और आप लोग को मैं अपना क्षेत्र पूरा दिखा दिया हूँ सुबह टाइम में। अक्सर मुझे सुबह में ही समय मिलता है क्योंकि दुकान पर जाने के लिए दोस्तों 9 बजे से निकलता हूँ, फिर शाम को ही घर आता हूँ, इसे सुबह ही वीडियो अपना ब्लॉग बना लेता हूँ और आप लोगों से रूबरू होता हूँ। देख सकते हैं 4-5 दिन हो गया, दीदी लड़के हमारे साथ हैं, आराम से ये भी हमारे साथ ही रहते हैं। और इधर देख सकते हैं दोनों साइड पानी ही पानी, देख सकते हैं पीछे पूरा पानी लगा है, शायद दोबारा पानी चला है इसलिए पानी यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए धान का डंटल है, इसे जोत नहीं पाएगा, बगल में जो गेहूँ हल्का का छोटा है। तो आलू हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और इन्जॉय फॉलन पर चल रहे हैं। उस रास्ते थोड़ा बिछलहन हो गया था इसलिए हम लोग इस रास्ते आए हैं। बेटा उधर मत जा, दे रहा हूँ किनारे, अगला रोड पे एक्सीडेंट बहुत होता है इस समय, चलो थे ना। दोस्तों देख सकते हैं हमारे गांव के चंद जी हैं, ये भी आए हैं टहलते हुए बरसात में, हम लोग भी बरसात में कले, ये भी हम चलो यही सर, यही सर चलो चलो इस साइड, यही सर चलो हम तरल धीरे धीरे ना। देख रहे कितना एक्सीडेंट होता दोस्तों, अभी कल ही हमारे गाँव के एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था फोर लेन पर, जो तत्काल ही मौत भी हो गया था उसका। इसलिए बच्चों को सेफ्टी के लिए अंदर ही रखना जरूरी है दोस्तों। ज़्यादा लोग हम लोग फोर लेन पर टहलने की ज़रूरत नहीं करते हैं क्योंकि फोर लेन बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आलो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, अभी हम लोग देख सकते हैं बच्चे को साथ चल रहे हैं, देख सकते हैं पूरा फोर लेन खाली है दोस्तों, पर फिर भी डर लगा रहा था फोर लेन का, इसलिए हम लोग नीचे जाके टहलते हैं मराची की ओर, क्योंकि उधर गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं तो काफ़ी आराम रहता है दोस्तों। क्या देखा लगिए,
फोटो खींची। ए रुक, हाँ चला फोटो खींचते हैं। ए अब देख सकते हैं, कहते हैं सब पूरा रोड भीग गया है, हल्का हल्का बारिश है, बूंदी बारिश। और इसी रास्ते हम निकल रहे हैं। कहाँ बहित बा, बहित थोड़े बाप बही नहीं बा। दोस्तों देख सकते हैं सारे बच्चों को हम लोग लेके चल रहे हैं, आज इन लोग का छुट्टी था इसलिए लेके चल रहे हैं। काफ़ी मस्ती में है, अब इसी साथ हम लोग निकल जाएंगे घर गाड़ी में बैठकर। काफ़ी लाजवाब है देख सकते हैं, अचानक से गाड़ी मिल गया है हम लोग बैठे हैं। काफ़ी दिनों बाद पास मिले, कहाँ यार टूरिस्ट में दूल्हा वैसे गाड़ी सजल है बा। तो दोस्तों काफ़ी आनंद आया है, इनोवा में हम लोग बैठे हैं। और देखिए बच्चे भी हैं, अंकुश भी हैं, अंश भी हैं, और हमारे गांव के चंज भी हैं, सारे लोग गांव में बैठे गाड़ी में बैठ गए हैं। देखिए इसी रास्ते हम लोग निकल रहे हैं आराम से। देखिए फोलेन से हम लोग नीचे जा रहे हैं, सारे बच्चे इसी में बैठे हैं मस्ती में। तो आज सुबह सुबह हम लोग इनोवा में बैठ गए हैं, देख सकते हैं बच्चे भी पीछे बैठे हैं। और इसी रास्ते हम लोग गांव में चलेंगे। देखिए ये पुल के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं, सामने से आ गए हम लोग। ये बहुत यहाँ पहले कचरा हुआ करता था, अभी बारिश शुरू होता तो फिर से कचरा ही हो जाता। फिलहाल बारिश हल्का फुल्का है जीसा टाइप का। देखिए हम लोग टंडन से बाहर आ गए हैं, अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर की तरफ। अरे ये सामने गाड़ी जा रहा है, जाम लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं कहाँ देरी जगह ही हो तो जाए। अरे जाता नहीं, क्या तो बहुत चल रहा है, नहीं तू ही जाता सब। तो देख सकते हैं हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये सारे बच्चे उतर रहे हैं, चला जा जा लो ना जा, बाय बाय। आप देख सकते हैं बच्चे भाई के खाद आज ड्रॉप कर रहे हैं। आप देखिए पानी पिंडट नहीं हो गया, बारिश नहीं हो गया है। देखिए फाइनली घर पहुंच चुके हैं, बारिश में भीगते भागते। एक तो ये कार मिल गया हम लोग को, इनोवा गाड़ी, उसी में बैठ कर हम लोग जल्दी से घर पहुंच गए। रास्ते में हम लोग तो भीग ही गए थे। देख सकते हैं मौसम और बिगड़ गया है, अब बारिश और तेज हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सामने कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुका है, काफ़ी तेज से बारिश हो रहा है। देख सकते हैं पूरा गाँव में मौसम कितना ख़राब है, देख सकते हैं पूरा। आज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके यहाँ मौसम ख़राब है कि नहीं है, बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर देख सकते हैं सब, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उतर दो बेटा, उतर दो बढ़िया से, दाब जाने तक खराब हो जाए सीमेंट। दोस्तों देखिए आधा बजे सीमेंट बच गया है, अभी 8-10 दिन हो जो तो वो बेटे ईटा दे दो, ईटा उठा दे दो। ये बन गया, पता नहीं खाना हुआ है कि नहीं, अभी खाना हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आ गया हूँ घर, खाना हो गया इल। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं अभी आटा सान कर रखा गया है। तो उधर देखिए अभी सब्जी हो रहा, पालक का सब्जी, शायद पालक सब्जी बन रहा है। तो देख सकते हैं पालक का सब्जी बन रहा है, और इंतजार करेंगे दोस्तों अभी हो जाएगा खाना, अभी भूख लगा है। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम लोग घर पहुंचे हैं बच्चों के साथ। आज बच्चों का आज कितना छुट्टी है, बसंत पंचमी। दोस्तों आज शायद बसंत पंचमी है इसलिए छुट्टी हो गया है, आज वैलेंटाइन डे है। दोस्तों आज वैलेंटाइन डे है, देखिए मैंने गिफ्ट में क्या लगा रख दिया है, अभी गिफ्ट बंद है, देखता हूँ। देख सकते हैं जगह जगह, देखिए
आज बारिश हुआ है दो ढाई घंटा करीब में, ज़्यादा तेज नहीं हुआ, झीमझाम हुआ है। जैसे सारे बच्चे हैं गांव का स्थिति देख सकते हैं, उधर देखते हैं गढ़ा में पानी ही नहीं लगा है, सिर्फ रोड पर पानी लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ तक स्थिति। मैं दुकान के निकल ले आया हूँ और ठंडा भी लग रहा है, हवा भी बह रहा है, बारिश हुआ देख सकते हैं, सब भीगा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब एक नए ब्लॉग में फिर से मिला जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।